यहां पे माइनस 12 क्यू है, यहां पे माइनस, यहां माइनस 6 क्यू है, यहां पे कितना होगा माइनस 9 क्यू है, यही है ना, और यहां पे कितना होगा बच्चों माइनस 3। सेंटर पे चार्ज कैपिटल क्यू है, दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी के रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ये चार्जेस रखे हैं, सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है। इन फोर चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स कैपिटल क्यू पे है वो किसी डायरेक्शन में होगा, वो जो नेट फोर्स है वो घड़ी के घंटे वाली सुई पर स्थित है। तो घड़ी में कितना बज रहा है 10:30, श्योर? सोच के बताना, क्वेश्चन क्लियर? नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज कैपिटल क्यू लाइज ऑन आवर हैंड ऑफ द क्लॉक, घड़ी के घंटे वाले सुई पर नेट फोर्स लाई कर रहा है, तो घड़ी में कितना बज रहा है सोच के बताइए बच्चों। 10:30 कैसे है, खड़े हो जाओ, एक्सप्लेन करो सर। जहां ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है उसी की तरफ रहता है, उन्हीं दोनों के बीच में ही होता है, उसी से क्या कि हाँ 10:30 इज करेक्ट आंसर। स्टेप लिखो, स्टेप लिखिए, 10:30 इज करेक्ट आंसर। अच्छा ये बताओ, अगर ये चार्ज सारे पॉजिटिव होते तो कितना बचता, अगर ये सारे चार्ज पॉजिटिव होते तो कितना बचता, नहीं चलो अच्छा पहले 10:30 वाला करो फिर बता रहा हूं, 10:30 वाला करिए, 10:30 निकालिए सब लोग। ये घड़ी 10:30 बजा रही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, कैसे बजा रही है ये आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। चलो बच्चों मैं हिंट करता हूं, ध्यान से देखो बेटा, दिस इज रेफरेंस चार्ज, इस वाले चार्ज पर इस वाले चार्ज का अट्रैक्शन किधर होगा, इस वाले चार्ज का अट्रैक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज। एनी डाउट इस वाले चार्ज पर इस वाले चार्ज का अट्रैक्शन अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज। F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, F1 F2 में बड़ा कौन सा है, F1, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कम है, क्लियर? तो इन दोनों का नेट किधर होगा, ऊपर, F- मान लो, क्या मैं F- को F1 माइनस F2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? अब आप मुझे ये बताओ बेटा, इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स किधर होगा, अट्रैक्शन इधर होगा F3, और इस वाले पे इसका अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज, कौन सा बड़ा F3 F4 में, F3 बड़ा है, तो F" F3 माइनस F4 इस डायरेक्शन में F" आ गया बेटा। अब मुझे आप ये बताओ F-F" के बीच एंगल कितना है, रिजल्टेंट फोर्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से क्या होगा, नेट फोर्स होगा F net, क्या लिखू यहां पे, √F1² + F2² बेटा ध्यान से देखना, सॉरी F² F" आप सॉल्व करके देखो, F' और F" की वैल्यू सेम आएगी, आप सॉल्व करके देख लो F' और F" की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, आएगी ना सेम भाई, this into this upon r² this into this upon r² सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, दोनों वैल्यू सेम आएगी बेटा, करके देख लेना ये सेम आएगी। क्या मैं इसको F√2 लिख सकता हूं, भाई अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो मैं इसको F√2 लिख सकता हूं ना, और ये नेट फोर्स है तो ये 45 और ये 45 हुआ, अगर F' और F" इक्वल है, दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से, तो ये 45 ये 45, 9 से 12 के ठीक बीच में घंटे वाली सुई है, कितना बज रहा है 10:30।
इज दिस क्लियर? नोट कर लो बच्चा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरह से 10:30 है। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हर चार्ज पॉजिटिव हो तो घड़ी में कितना बज रहा है, बोलो बताओ। एवरी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो घड़ी में कितना बज रहा है? 2:30 नहीं है, नॉट 2:30, 4:30। एवरी चार्ज, सब लोग बताइए, सोच के बताइए, एवरी चार्ज पॉजिटिव है तो कितना टाइम घड़ी में है, घड़ी कितना बजा रही है? घंटे वाली सुई पर ही नेट फोर्स लाई कर रहा है। फिगर बना के देखो। 4:30 श्योर? पक्का 4:30? यस करेक्ट, 4:30। बहुत सिंपल है ना? सही? देखो बच्चों, ये वॉल क्लॉक है, यहां पे 12Q, यहां पे 6Q, यहां पे 9Q, यहां पे 3Q, यहां पे कैपिटल Q, ठीक। इस वाले चार्ज पर इस वाले चार्ज का रिपल्सन, इस पर इसका रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज, इस वाले चार्ज पर इसका रिपल्सन टुवर्ड्स F1 F2 से बड़ा है बच्चों, तो F डैश जो होगा F1 माइनस F2 वो अब F1 के डायरेक्शन में होगा, होगा या नहीं बोलिए? F डैश डाउनवर्ड होगा, इज दिस क्लियर? इस वाले चार्ज पर इसका रिपल्सन किधर होगा? किधर होगा? टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज F4 मान लो, और इस पर इसका F3, बोलो टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज F3 F4 का रिजल्टेंट F डबल डैश इधर होगा, यही होगा ना? F3 इज ग्रेटर, ये प्रोडक्ट ग्रेटर, तो F3 ग्रेटर, F3 F डबल डैश इन दिस डायरेक्शन, F डैश और F डबल डैश के ठीक बीच में घंटे वाली सुई है, तो 6 और 3 के ठीक बीच में कितना होगा? 4। दिस इज आंसर। इज दिस क्लियर बेटा? वर्कशीट आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक, और जो डाउट होगा पूछिएगा। डन बेटा? सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहां पे। अब मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूं, ये बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर जेई एंड नीट, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, हेडिंग डाल दो बच्चों, इलेक्ट्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम लिखो बेटा। सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ रेफरेंस चार्ज लाइज एट नल पॉइंट, इफ रेफरेंस चार्ज लाइज एट नल पॉइंट क्लियर? इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम,
इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कितने तरह का इक्विलिब्रियम होता है बच्चों? तीन तरह का, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। कूलम्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा है, लामिस थ्योरम याद होगा, एक एक मास को स्ट्रिंग के हेल्प से सस्पेंड कर दिया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाई कर रहा है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक लाइन लिख लीजिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑन डिस्प्लेसिंग एंड रिलीजिंग द रेफरेंस चार्ज, ऑन डिस्प्लेसिंग एंड रिलीजिंग द रेफरेंस चार्ज on displacing and releasing the reference charge, if it is performing SHM, if it is performing SHM, what is SHM? Simple harmonic. Yes, simple harmonic motion. If it is performing SHM, system is in a stable equilibrium. System is in, अलग से लिखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक चीज और लिख लो बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लेस देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लेस देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए ये एक हेमिस्फेरिकल, ये एक हेमिस्फीयर है और यहां पे कोई चार्ज रखा है, ये एक हेमिस्फीयर है और यहां पे एक चार्ज बॉल रखी हुई है। तो ये चार्ज बॉल इस पॉइंट पर स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि यहां पे इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और अगर इस बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये अपने मेन पोजीशन के अबाउट SHM परफॉर्म करने लगेगी। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेफरेंस लेवल को ग्राउंड लेवल माने, अगर रेफरेंस लेवल को ग्राउंड लेवल माने तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बॉल की मिनिमम है बच्चों, यानी जीरो है, क्योंकि ये बॉल रेफरेंस लेवल पे लाई कर रही है। अगर हमने इस बॉल को डिस्प्लेस किया, बॉल यहां आ गई, हाइट बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इज दिस क्लियर? इन दिस फिगर चार्ज बॉल इज, चार्ज पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, यहां आ जाए, यहां पे सबसे कम है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेफरेंस लेवल से हाइट बढ़ती जा रही है। तो ड्रॉ दिस फिगर, डन बेटा, नोटेड? इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ कम टू सेकेंड वन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, on displacing and releasing the reference charge, on displacing and releasing the reference charge, on displacing and releasing the reference charge, it will not restore
दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. देखिए बेटा, आप जानते हो कि किसी बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया और रिलीज करने पे अगर वो रीस्टोर करेगी तो SHM करेगी. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, जब वो रीस्टोर होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो वो SHM करेगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा. इसमें क्या है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे सपोज कर लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर में चार्ज बॉल जो है यहां पे रखी हुई है, इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया बच्चों, तो ये कभी भी रीस्टोर नहीं होगा. जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया था तो वो रीस्टोर हुआ था डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, हुआ था या नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स लगा था उसमें तो SHM कर रहा था. इस वाले केस में ये जो चार्ज बॉल है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, शुरू में यहां पे रेस्ट में है, लेकिन जरा सा डिस्प्लेस किया तो ये अपने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर गया. अगर हमने डिस्प्लेस किया और बॉडी रीस्टोर हो गई तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, हमने डिस्प्लेस किया बॉडी फ्लाई ऑफ कर गई यानी रीस्टोर नहीं हुई, हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया बॉडी उसी डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर गई तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है बच्चों, क्योंकि रेफरेंस लेवल जो ग्राउंड है उससे हाइट मैक्सिमम है, क्लियर, और जब डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है. इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत कम बच्चे सही करते हैं, थोड़ा समझ लोगे तो बिल्कुल सही करोगे. क्लियर बेटा, दो तरह का. तीसरे तरह का इक्विलिब्रियम है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. थर्ड इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. लिखो बेटा, लिखो बेटा, ऑन डिस्प्लेसिंग एंड रिलीजिंग द रेफरेंस चार्ज, ऑन डिस्प्लेसिंग एंड रिलीजिंग द रेफरेंस चार्ज, ऑन डिस्प्लेसिंग एंड रिलीजिंग द रेफरेंस चार्ज, इट शुड स्टे एट द फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर रिलीजिंग, स्टे एट फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन रिलीजिंग, एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या मतलब है बच्चों, सपोज कर लीजिए ये कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये चार्ज स्फीयर रखा हुआ है, इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहां छोड़ दिया, तो जब यहां इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये ना तो रिस्टोर होगा, इसको यहां तक ले गए छोड़ दिया तो ना तो ये रिस्टोर होगा ना ही फ्लाई ऑफ करेगा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा. क्लियर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या है बच्चों, सेम है. तो ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो. अब इस कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले हम लोग HCV के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर
33 और 32, 33, 34. इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस पर कि किसी भी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है और उसको आपको समझने की जरूरत है. जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो क्या, बस दो तीन मिनट और लूंगा, लिखे. टू चार्जेस ईच स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड Each small q are placed at separation small r. null point reference charge capital Q is slightly displaced along. Slightly displaced along line joining, and then released. Prove that it will perform SHM. Prove that capital Q will perform SHM. And find time period and frequency. एक क्वेश्चन पहले मैं कराता हूं इक्विलिब्रियम का. क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्यान से देखो, एचसीडी का पेज 120. ध्यान से देखो बच्चों, ये चार्ज क्यू है. नल पॉइंट कहां होगा बच्चों? इस सिस्टम का नल पॉइंट कहां होगा? इस सिस्टम का नल पॉइंट अगर सेपरेशन आर है तो कहां पे होगा? अगर मान लो हम एक्स मान लेते हैं नल पॉइंट का, तो एक्स आप तुरंत लिखोगे आर डिवाइडेड बाई एक्स के अपोजिट क्यू बाई क्यू प्लस वन आर बाई टू. यही है ना नल पॉइंट. चार्जेस सेम है, नल पॉइंट मिड